मोरेज धनिया 160। क्वालिटी वाले है ना, क्वालिटी यहाँ मिलेगा। नहीं 17 में नहीं है। अरे सारे कर दे दो 20 15 ले रख ले जा। ये देखो भैया पलट रहे हैं, अभी झोला में ट्रांसफर हो चुका है भैया के। चलो गाइस ये देखो अब भैया पैसा दे रहे हैं यार। ये देखो दोस्तों कितने रुपीस का सेल किए हैं, ये 200 अकाउंट है दोस्तों, 1 2 3 4 और ये 5 6, तो भी बहुत अच्छा है दोस्तों। डेली का 700-800 रुपए का हो जा रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज रहे हैं दोस्तों सुबह के 6:10 और अभी मैं आ चुका हूँ बरबट्टी की हार्वेस्टिंग करने के लिए। ये देखिए दोस्तों बरबट्टी का फल लगा हुआ है, अब इसका भी फल कम हो चुका है यार, देखिए उतना ज़्यादा फल नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों हम भी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना सारा फल निकलता है। तो दोस्तों बरबट्टी को हार्वेस्ट करके ले आए हैं घर के पास। ये देखिए दोस्तों आज इतना ही बरबट्टी निकला है यार, धीरे धीरे करके अब फल पूरा कम हो गया है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं धनिया मेथी वाले बाड़ी में, धनिया मेथी भी हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसको लाने जाना है। अभी दोस्तों धनिया मेथी वाले बाड़ी में आ चुका हूँ और ये देखो कुछ इस प्रकार से धनिया को हार्वेस्ट किए हैं, उस साइड भी रखा हुआ है और उस साइड मेथी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर रखा हुआ है भाई मेथी, ये देखिए। चलिए अब मैं इसको गिनती करके झोला में डाल लेता हूँ। सो दोस्तों अभी मेथी को गिनती कर लिए हैं, ये देखो भाई झोला में डाल दिए हैं। 250 जूरी हार्वेस्ट हुआ है मेथी। अब चलो धनिया की गिनती करते हैं, उसको देखते हैं कितना जूरी निकला है। तो दोस्तों धनिया को भी झोला में डाल दिए हैं गिनती करके और ये देखो भाई धनिया को लेकर चले भी गए हैं टंकी के पास। अब मेथी बचा हुआ है उसको मैं ले जाऊंगा, वो देखो वहाँ पे रखा हुआ है। चलिए अब इसको भी ले चलते हैं टंकी के पास। तो दोस्तों अभी मेथी को टंकी के पास ले आए हैं, ये देखो यहाँ पे रखा हुआ है और उधर धनिया को धो रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने के लिए। अभी दोस्तों मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ और ये देखो यार सभी सामान को झोला में पैक करके रखे हुए हैं। चलिए अब गाड़ी में लोड कर लेते हैं। गाड़ी को लोड कर लिए हैं, ये देखिए आज का सेटअप। चलिए अब चलते हैं मार्केट, देखते हैं आज क्या रेट जा रहा है। अभी दोस्तों मार्केट पहुंच चुके हैं और ये देखो भाई यहाँ पे रखा है अपना धनिया, उसके बाद बरबट्टी, उसके बाद मेथी। और मार्केट तो देखो गाइस काफ़ी सब्जियाँ आया हुआ है आज, ये देखो दोनों साइड से, इस साइड भी वैसी सब्जियाँ रखा हुआ है। सबसे लास्ट हिस्सा में है फिर भी इतना भीड़ है यार, वरना दूसरे दिन इस साइड खाली रहता था। चलो अब देखते हैं क्या रेट में बिकेगा। अभी तो 50 जूरी बस धनिया बिका है, बाइक में था तो ही, अब बाकी बचा है सेल करेंगे और बरबट्टी को भी देखेंगे क्या रेट में बिकेगा। ये देखो ग्राहक आ गए भाई, बता 27 का भाव रख, 15-16 कहाँ चला बताओ, वाजी वो 24 के पड़ी, 20 के देवे नहीं यहाँ 20 रुपए मांग रहे हैं यार पर बट्टी को। 23-24 रुपए किलो तक जा रहा है, अब देखते हैं 23-24 में बिक जाए तो नहीं बिकेगा फिर देंगे यार 20 में क्या करेंगे। चलो गाइस कुर बट्टी फिर कस्टमर आ गए, का भाव रखे बता भैया, 16 में नहीं आएगा, 24 से पढ़ी नहीं पढ़ी भैया, नहीं पढ़ी 23 के लगा दो जाओ, नहीं है 20 रुपए मांग रहे हैं यार बरबट्टी को, 20 रुपए से ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं बरबट्टी को, देख लेते हैं का दो झने को और उसके बाद देंगे फिर 20 रुपए में। चलो गाइस अभी धनिया वाले भैया आ गए हैं, 50 जोड़ी रखे थे
ये देखो यही भैया लिए हैं, शुरुआत में इन्हीं से बोनी हुआ है भाई। चलो अभी गिनती कर देते हैं झोला में, चलो ट्रांसफर कर देते हैं झोला में। चलो दोस्तों अभी धनिया को गिनती कर दिए हैं, ये देखो भाई अभी 150 जूरी मचा है धनिया। 100 जूरी को चंदू भैया को दिए हैं, उसके करके 150 जूरी बिक चुका है, 150 जूरी मचा है और 150 जूरी मेथी भी मचा हुआ है। हाँ भैया धनिया 150 वाजिब कम मने दे, हाँ वही रेट ला बताता हूँ भैया 150 जूरी बचे हैं। 80 सौ नहीं है भैया, 80 रुपये मांग रहे हैं यार धनिया को। चलो देखते हैं क्या रेट में जा पाता है, किस्मत में क्या लिखा है। मोरे अच्छे धनिया 160, क्वालिटी वाले हैं ना, क्वालिटी यहाँ मिलेगा। 140 में दे होगा 150 बचे, 140 130 कर ले भेजा, रख लेगा जा। चलो गाइस 120 में दे दिए धनिया को, बाद में और रेट डाउन हो जाता है, इससे अच्छा दे दिया भाई 120 रुपए सैकड़ा में, 150 जूरी बचा था उसको। अब बचा है अपने पास बरबट्टी और मेथी, 150 जूरी मेथी बचा है और बरबट्टी पूरा बचा हुआ है। बरबट्टी को 20 रुपए मांगेंगे तो देंगे, अब 15 रुपए ही मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, 15-18 रुपए। चलो दोस्तों अभी धनिया को मंगा रहे हैं, छोड़ के आते हैं, ये देखो भाई झोला में पकड़ लिया हूँ, पहुँचा के आते हैं व्यापारी के पास। अभी दोस्तों व्यापारी के पास पहुँच चुके हैं, ये देखो भाई ये मेथी वगैरह लिए है इतना सारा और इधर अपना धनिया रखा हुआ। चलो गाइस इसमें खाली करेंगे यार धनिया को ये झोला में। चलो गाइस धनिया खाली कर दिए हैं, ये देखो इस झोला में 150 में 150 ही ना रे, कैसे 150 हो, 10 आओ मुल्दास दे भैया, 170 रुपए दिए हैं भैया अभी, 150 जूरी के 120 रुपए सैकड़ा में, 180 रुपए कहो रहे 170 दिए हैं, अभी 10 और ले लेते हैं। चलो गाइस पैसे हो चुके हैं, अब चलते हैं फिर से मार्केट के पास, अभी बरबट्टी और मेथी बचा हुआ है। अभी दोस्तों वापस से आ चुके हैं, सब्जी रखे थे वहाँ पे, ये देखो भैया मांग रहे हैं 17 नहीं है, अरे रखवा है पता नहीं कर दो, 20-20 15 ले रख ले जा मोरा लाल भाजी। चलो गाइस 2 रुपए कम में दे रहे हैं भैया को यार, 20 रुपए मांगे थे पहले बरबट्टी को, अभी 18 में दे रहे हैं, 50 मनी है 70 पर ही, 20 पर ही लेबे तो 20 70 रुपए। देख कितना मोटा मोटा है जुड़ी, कैरेट मांगे थे भैया, नहीं मांगे नहीं, कोई नहीं मांग रहे हैं भाई, 50 रुपए मांगी 100 तो दे देना ठीक, लेकिन नहीं मांगे 50 रुपए में भी लेने वाले नहीं है अभी लाल भाजी का, एकदम रेट डाउन है, 2 रुपए लॉस में दिए, अब क्या कर सकते हैं, बढ़ ही नहीं रहा, 18 रुपए से तो दे देते हैं यार, बाद में और कम हो जाएगा फिर 12-13 रुपए। चलो गाइस तोलते हैं अभी बरबट्टी को, यहाँ पे कांटा रखा हुआ है, ये देखो 16 किलो आया है गाइस ठीक भैया। चलो अब भैया कहाँ पे खाली करेंगे देखते हैं भाई, ये देखो यहाँ पे खाली कर रहे हैं। चलो गाइस इसी में खाली करना है यार ये झोला में, ये देखो भैया पलट रहे हैं, ये देखो हो चुका है खाली, अभी झोला में ट्रांसफर हो चुका है भैया के, हाँ 1 मिनट। चलो गाइस आप पैसा जोड़ लेते हैं यार कितने का बना है, 16 किलो है। चलो गाइस ये देखो अब भैया पैसा दे रहे हैं यार 290 रुपये, ये देखो 10 रुपये वापस करने हैं इसमें से, चलो 10 वापस कर देते हैं भैया को। अभी गाइस 50 रुपये का नोट दिए हैं यार, 10 सिलहर नहीं था, 40 रुपये वापस किए हैं भैया देखो। चलो अब चलते हैं फिर से मेथी बचे हैं उसको सेल करेंगे, तो दोस्तों अभी सब्जी रखे थे वहाँ पे आ चुके हैं और ये देखो यार अपना मेथी रखा ही हुआ है। चलो अभी 100 जूरी गिनती कर देते हैं, चंदू भैया लिए हैं तो उसके लिए बाकी 150 जूरी बचे उसको सेल करेंगे, 100 जूरी मेथी को गिनती कर दिए हैं और 100 जूरी धनिया को पहले से गिनती कर दिए थे, ये देखो इसमें धनिया रखा हुआ है उसके नीचे में मेथी। चलो अब गिनती करके रख दिए हैं 100 जूरी धनिया 100 जूरी मेथी, अब चंदू भैया कॉल करेंगे मंगाएंगे, उतना टाइम ले जाऊंगे यार छोड़ने के लिए, अभी अभी बचा हुआ है 150 जूरी उसको सेल करते हैं, 10-20 तो रखा होगा, 10 के 10 जूरी रख लो, जाओ 150 जूरी रखा तो बताओ 70 रुपये सैकड़ा लगा दो,
ले रख ले जा। चलो गाइस 50 जूरी भैया दे रहे हैं 60 रुपए सैकड़ा में। चलो गिनती कर देते हैं अभी। चलो गाइस 50 जूरी गिनती करके दे दिए भैया को, और ये देखो 30 रुपए पैसे भी मिल चुके हैं। एकदम कम रेट हो गया आज धनिया का भी। चलो गाइस अभी गणपत भी आ गए हैं। ये देखो और क्या क्या ले लिए यार। मैं टमाटर की सेल करूंगी आज, कुछ नहीं है बाकी। धनिया के सेल करूंगी, ठीक। मेथी ले जाते हैं, 100 जूरी बचा है गाइस, इसको गणपत भैया ही ले जा रहे हैं। चलो अब इसको भी छोड़ के आते हैं गणपत भैया के पास। चलो गाइस गणपत भैया को दे दिए हैं ये देखो मेथी को। चलो अभी चंदू भैया के भी मेथी को छोड़ के आते हैं ऑटो में। अभी दोस्तों चंदू भैया के पास ले आए हैं धनिया मेथी को, और ये देखो ट्रांसफर भी कर दिए हैं अपने झोला में। झोला में किए क्या, कपड़ा में? मेरा है कपड़ा में, कपड़ा में खाली दिए हैं भाई। ये देखो अपना झोला खाली हो चुका है। चलो यार सब सब्जी बिक गया आज, बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन हो चुका है यार। अभी आ चुके हैं दोस्तों किसान मार्केट के पास, और ये देखो दोस्तों गाड़ी में झोला को लटका दिए हैं, और मार्केट को देखिए खाली हो चुका है। ये शुरुआत एरिया है, इस साइड एक आध दो सब्जियां रखा हुआ है, देखिए मेथी लाल भाजी वगैरह दिख रहा है, और बैंगन वगैरह भी दिख रहा था यार। उस साइड 10 रुपए किलो हो गया है आज बैंगन, 8 रुपए 10 रुपए कबरी वाला बैंगन जो 13 रुपए 14 रुपए किलो जा रहा था। आज सभी सब्जियों का ना रेट डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जी आया था। चलो अब चलते हैं घर, कितने का सेल किया हूँ ये घर जाके बताता हूँ। दोस्तों अभी मैं घर आ चुका हूँ, और आज के मार्केट की बात करें ना तो आज सब्जियां एकदम ज्यादा पहुंच गया था भाई मार्केट में, इसीलिए सभी सब्जियों का रेट और डाउन हो गया। वैसे भी डाउन चल रहा था आज, और एकदम डाउन हो गया। चलो अभी अपने सेलिंग की बात करें ना तो ये देखो दोस्तों कितने रुपीज का सेल किए हैं। चलो अभी इसको गिन के दिखाऊंगा कितना है। चलिए दोस्तों अभी इसको गिनना स्टार्ट करते हैं। ये 2 सपनोट है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, 7, 20, 30, 40 तो 740 रुपए है दोस्तों। लेकिन ज्यादा का सेल किए हैं यार, कितने कितने का सेल किए हैं उसको बता देता हूँ। मेथी हुआ है दोस्तों 140 रुपए का, 60 रुपए सैकड़ा में दिए थे, लास्ट में गणपत भैया 50 रुपए ही रखा हूँ यार, 50 ले लू बोले 85 रुपए उनसे लिया हूँ, तो 140 रुपए का ही हुआ मेथी। और 370 रुपए का धनिया हुआ है, और 290 रुपए का क्या बोलते हैं बरबट्टी हुआ है। तो टोटल हो रहा है दोस्तों अपना 800 रुपए, जिसमें से 740 रुपए बचे हैं अपने पास, 60 रुपए खर्चा हो गया। और आज ना बहुत ही कम खर्चा हुआ है, वैसे सामान बहुत सारा लाना था लेकिन नहीं लाया हूँ, कल लाऊंगा करके। और इसमें भी पेट्रोल खर्चा वगैरह ऐड नहीं करूँ यार, पेट्रोल खर्चा ऐड करूँगा 40 रुपए का मान को, लो पेट्रोल डल जाता तो 700 रुपए बचता, तो भी बहुत अच्छा है दोस्तों। डेली का 700-800 रुपए का हो जा रहा है, इतना ही काफी है यार, क्योंकि धनिया में मेंटेनेंस नहीं लगता, और अन्य सब्जी में तो दवा वगैरह बहुत ज्यादा लगता है। और आजकल मार्केट में जा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों रिटेल मार्केट, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा काम है यार। आजकल ना समय बिल्कुल नहीं बच रहा दोस्तों, अभी मार्केट से आया हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत वीडियो एडिट करूंगा, 2 घंटा वीडियो एडिट करने में चला जाता है, उसके बाद शाम को फिर काम करने में लग जाते हैं। धनिया को शाम को ही हार्वेस्ट करते हैं, आधा को लगभग शाम को हार्वेस्ट करते हैं, आधा को सुबह हार्वेस्ट करते हैं, तभी उतना सारा हार्वेस्ट हो पाता है, वरना हार्वेस्ट ही नहीं हो पाता। अब मेथी भी है तो उसको भी हार्वेस्ट करना पड़ता है, और खेत में भी बहुत सारा काम है यार। धान की कटाई की है, उसको इकट्ठा कर रहे थे कल शाम को, उसका हालांकि व्लॉग नहीं बनाया हूँ, लेकिन कल शाम को वही खेत का काम कर रहे थे, और अभी भी ना 2-3 खेत बचा हुआ है धान कटाई करने के लिए, तो उसमें भी समय लगने वाला है। अभी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए रिटेल मार्केट नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। कई लोग कमेंट करते हो रिटेल मार्केट जाओ करके, तो अभी घर पर काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब थोड़ा काम कम होगा उसके बाद फिर रिटेल मार्केट जाएंगे बहुत जल्द। तो ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से रहा आज का मार्केट, तो आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं दोस्तों। कैसा लगा आज के ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग में जय हिंद जय भारत।